अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है? मैम आ रही है, लेकिन बहुत दूर से आ रही है। हल्की आ रही है? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। दो बेटी को आपने लिख दी? नहीं लिखी थी, नहीं वो भी लिख दीजिए यहाँ पे। और अभी जी हम स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। आज से एंटीबायोटिक्स से पहले हम ये देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स होती क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है और कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है, कब कब देनी है, क्या इनके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं और क्या एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या चीज है? एंटीबायोसिस से निकला है। बायो बायो मींस लाइफ, बचपन से पढ़ा है। बायो मींस लाइफ, एंटी मींस अगेंस्ट। जो कोई भी चीज लाइफ के अगेंस्ट है दैट इज एंटीबायोटिक। ठीक हो गया। तो जो सब्सटेंसेस हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं या हम उसे सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं और उसे हम इस मकसद के लिए यूज करें कि वो किसी और लाइफ को स्टिल कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटीबायोटिक। यानी या किसी और लाइफ को किसी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई सिंथेटिक मटेरियल जो किसी और लिविंग चीज को उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे या उसको वहीं पे किल कर दे, तो वो हमारी क्या चीज होगी? एंटीबायोटिक होगी। ठीक है, सब्सटेंसेस जो कि डिराइव हो रहे हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर सिंथेटिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि किल कर रहे हैं या उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि खुद भी लिविंग होंगे। ऑल राइट, क्लासिफिकेशन क्या है, किस किस बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से वो अपना एक्शन शो करते हैं अपनी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए, या फिर उनका स्पेक्ट्रम क्या है कि वो कहाँ यूज हो सकते हैं कहाँ यूज नहीं हो सकते, या उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि किस तरीके से वो अपना एक्शन करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में सबसे पहले बात करें तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उनमें क्या क्या आती है। सेल वॉल सिंथेसिस के इनहिबिटर्स हैं, जो सेल वॉल ही नहीं बनने देंगे अगली चीज की, जो भी अगला कोई सब्सटेंस है उसकी सेल वॉल ही नहीं बनने देंगे। सेल वॉल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जब सेल वॉल ही नहीं बनेगी उसकी प्रोटेक्शन ही नहीं आएगी तो वो चीज वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसमें पेंसिलिन, सेफ्रोस्पोरिन, बेसिट्रेसिन और वैंकोमाइसिन वगैरह आती है। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ गई जो के उसके सेल जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस को इनहिबिट कर देती है। यानी वो सेल वॉल थी, अब सेल मेम्ब्रेन आई, सेल मेम्ब्रेन को नहीं अपना प्रॉपर फंक्शन करने देती तो ना कोई चीज अंदर जाएगी ना कोई चीज बाहर आएगी, ना प्रोटेक्शन होगी उस तरीके से, वो चीज हो गई। इसमें पॉलीमिक्सिन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ गई प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर्स।
प्रोटीन क्या कर रही है, उसका डीएनए मटेरियल पूरा बनता है, उसके सारा एमआरएनए टीआरएनए सारा कुछ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, उसको इनहिबिट कर देंगी, यानी कि उस सेल की आगे फर्दर प्रोलिफरेशन या उस सेल की आगे ग्रोथ रुके। इसमें क्लोरामफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आते हैं। नेक्स्ट चीज आगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मोर अप्रोप्रिएट हो रहे हैं हम प्रोटीन से आगे न्यूक्लिक एसिड पे आ रहे हैं, यानी उसका डीएनए फॉर्म ही नहीं होने देंगे। उसके बाद आ गया फॉलिक एसिड सिंथेसिस, फॉलिक एसिड्स नहीं उसमें बनने देंगे, ठीक है, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होने देंगे, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन को स्टॉप कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस नहीं होने देंगे। नेक्स्ट आ गया फॉलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स, फॉलिक एसिड नहीं बनने देंगे, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के इनहिबिटर्स हैं, मजीद आगे डीएनए नहीं प्रमोट होने देंगे, या फिर जो मैक्रोलाइड्स वगैरह आते हैं जो कि आगे उसके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आ जाते हैं, जो कि उसकी नेक्स्ट प्रोटीन नहीं बनने देंगे। जी बच्चों, हाँ जी, आगे चलते हैं स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग। पहले हमने पढ़ा मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म हमने देख लिया कि मैकेनिज्म पे सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे, प्रोटीन सिंथेसिस पे, फॉलिक एसिड सिंथेसिस पे या फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस पे। नेक्स्ट चीज आ गई स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, स्पेक्ट्रम के साथ उनका क्या है कि या नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम एक्चुअली उसका उसका एरिया ऑफ एक्शन है कि वो कितने एरिया में काम कर सकता है, क्या उसका स्कोप है कि वो किस हद तक काम कर सकती है ड्रग अपना, ठीक है, उसे हमने कहा है स्पेक्ट्रम। उसका जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है वो सिर्फ एक तरह की स्ट्रेन को या एक तरह की काइंड ऑफ बैक्टीरिया को करती है किल या उनके अगेंस्ट काम करती है, जैसे कि आइसोनियाज़िड आ गई। और जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनमें वाइड वराइटी आ जाएगी कि वो कई तरह के बैक्टीरिया को किल कर सकती है या उनके अगेंस्ट अपना काम शो कर सकती है। ठीक हो गया, स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास ये कुछ तरह के बैक्टीरिया हैं, माइकोबैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, क्लैमिडियास और रिकेट्सी बैक्टीरिया। अब इनके अकॉर्डिंग कौन, इनके अगेंस्ट कौन कौन सी काम कर रही है, टोब्रामाइसिन है माइकोबैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट काम कर रही है, पेंसिलिन है वो ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और क्लैमिडियास के अगेंस्ट काम कर रही है। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये देखिए कि ये पेंसिलिन जो है फॉर एग्जांपल सेल वॉल इनहिबिटर है, तो ये इन तीन की सेल वॉल के अगेंस्ट काम करेगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उसका क्या फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, तो वो इन दोनों के अगेंस्ट काम करेगी, ठीक है। तो अगर हम किसी ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन में दे देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन में, तो हमें वो इफेक्ट्स अचीव ही नहीं होंगे जो हम करना चाहते हैं, एंटीबायोटिक अपना असर शो ही नहीं करेगी। उसी तरीके से आइसोनियाज़िड है वो सिर्फ माइकोबैक्टीरिया के केस में हमें जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है, अगर हम इसको दे देंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में, तो हमें क्योर ही नहीं मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि फलाने को ये बीमारी है और हम सिमरा दे के ले मैं अपनी तरफ से डॉक्टर बन के कहते हैं कि फलानी एंटीबायोटिक मैंने फलानी चीज़ के लिए खाई थी तो मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट आया था, तुम भी ये वाली एंटीबायोटिक खा लो, विदाउट नोइंग कि इसका इफेक्ट उस डिजीज के लिए अकॉर्डिंग एक्यूरेट है भी या नहीं भी है, ठीक है। एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम ये चीज़ नहीं देख रहे कि बीमारी क्या चल रही थी और क्या नहीं है, हमारे घरों में मोस्ट कॉमन है ये चीज़, ये वाली एंटीबायोटिक पड़ी हुई है या मुझे इससे फर्क पड़ा था तो तुम भी ये वाली एंटीबायोटिक ले लो, जबकि एंटीबायोटिक हमें किस तरीके से देनी है ये चीज़ देख के देनी है कि जो इन्फेक्शन हुआ हुआ है वो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है, ग्राम पॉजिटिव है या दोनों इन्फेक्शन है, तो फिर उसके लिए कौन सी बेस्ट है ये चीज़ देख के हमें करना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है, या बैक्टीरिया स्टैटिक होगी या बैक्टीरिया स्टिल होगी। बैक्टीरिया स्टैटिक का मतलब ये है कि वहाँ पर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगी, वहीं पर उसको स्टिल कर देगी, जबकि जो बैक्टीरिया स्टिल है वो क्या करेगी, वहाँ पर उसको किल कर देगी, वहाँ पर उसको खत्म कर देगी, वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक हो गया। मिसयूज क्या है एंटीबायोटिक्स का, एंटीबायोटिक्स के मिसयूज को अब्यूज या ओवर यूज भी कह सकते हैं, सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके हेल्थ पे, क्योंकि वो क्या कर रहा होता है कि हमारी बॉडी में रेजिस्टेंट भी कॉज कर रहा है, किसी और चीज़ के अगेंस्ट वो काम भी कर लेगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि
मिसयूज है। दूसरी चीज ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को क्रिएट कर देता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या होते हैं, जिनमें मतलब आपकी बॉडी को अभी उस एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी और वो एंटीबायोटिक ले ली, तो उसके अगेंस्ट हमारे जो है बैक्टीरिया उसके रेजिस्टेंस में जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डिवेलप हो गई उस बैक्टीरिया के लिए, जो कि जिसके लिए वो पर्टिकुलर मेडिसिन है। तो ये जो है हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से पहले ही हमने उसको रेजिस्टेंट कर दिया है कि हम वो वाली एंटीबायोटिक लेंगे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है और क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में ये होता है कि जो भी हम मैम जी बच्चे मैम सुपरबग्स दोबारा बता दें। सुपरबग्स क्या चीज है, जो बैक्टीरिया जो जिनसे हम रेजिस्टेंट हो चुके हैं हम सुपर बग्स कहते हैं कि अब हम ले भी लेंगे उनके अगेंस्ट मेडिसिन तो वो हम पे असर नहीं कर रहे, इस वजह से वो हमने कह दिया कि वो उनके अंदर सुपर पावर आ गई है, वो सुपर बग्स हो गए। ठीक है, ओके मैम। जब हम रिपीटेड यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स का तो वो मैम जब हम रिपीटेड यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स को तो फिर उनका इतना इफेक्ट क्यों नहीं होता कि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। जी बच्चे रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। दूसरी बात ये कि एक स्पेक्ट्रम है, एक मेथड है एंटीबायोटिक को यूज करने का, अगर आप उससे कम या उससे ज्यादा यूज करेंगे तो वो अपना असर नहीं दिखाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज के लिए आपको एंटीबायोटिक दी गई है कि आपने ये 3 दिन के लिए खाई, लेकिन आपने 2 डोजेज ली उसकी, पहले दिन में 2 डोजेज ली और आपको आपका फीवर जो है वो सेटल हो गया, आपके बीमारी खत्म हो गई, तो आपने कहा मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं है, तो वो जो 2 आपने टेबलेट्स ली थी, जो 2 डोजेज ली थी वो भी अपना असर खत्म कर देती है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंटीबायोटिक तभी अपना पूरा असर करती है जब तक आप उसका पूरा कोर्स नहीं करते। ठीक है, कि आप लोगों ने सुना होगा कि एंटीबायोटिक का कोर्स कर दो, एंटीबायोटिक का कोर्स करने का मुराद ये होता है कि वो जितनी डोज एंटीबायोटिक की रिक्वायर्ड है उसको पूरा लिया जाए। ठीक है, ये तरीका नहीं है कि आपने 2 डोज लेके ख़त्म कर दिया, जितनी आपको जिसने भी प्रिस्क्राइब की होंगी कुछ सोच समझ के की होंगी कि 5 डोजेज लेनी है, 3 लेनी है, 9 लेनी है, जिस तरीके से भी जो भी वो उसके हिसाब से बेहतर समझेगा आपने वो पूरी करनी होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है कि जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी लोअर हो जाती है या ख़त्म हो जाती है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। ठीक है, जब वो बार बार उसके साथ कॉन्टैक्ट में आती है, बार बार एक ही चीज़ लेने से उसकी ससेप्टिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और वो उससे रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पैनाडोल या डिस्प्रीन से हो चुकी है कि अब वो लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आम तौर पे भी लोगों को आपने कहते सुना होगा कि एक पैनाडोल से क्या फर्क पड़ता है, मतलब अब इवन यहाँ तो हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं लेकिन मैं वैसे किसी भी ड्रग की बात कर रही हूँ रेजिस्टेंस के हिसाब से, कि हम लोग इतनी हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है सेल्फ मेडिकेशन की कि पैनाडोल तो बहुत आम चीज़ है लेने में, तो इसको जो है सभी पूरी पॉपुलेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इससे रेजिस्टेंट होगी और किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता होगा। क्रॉस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कि जो है एक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हुई है डिवेलप, लेकिन वो किसी और स्ट्रेन से भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनमें क्रॉस रेजिस्टेंस डिवेलप हो जाती है। जैसे एक एंटीबायोटिक तो ली पेशेंट ने बहुत ज़्यादा, लेकिन जब दूसरी ली तो उसका भी असर नहीं हुआ तो वो फिर वो क्रॉस रेजिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, तो मैम वो रेजिस्टेंस खत्म नहीं होती फिर? नहीं बेटा, उसके लिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स यूज करनी पड़ती है। ठीक है, ओके मैम। रेजिस्टेंस खत्म नहीं होती, एक दफा बॉडी में डेवलप हो जाए तो फिर वो बहुत रेयर है कि वो सेंसिटिविटी के बारे में डेवलप हो। एंड तो जब बैक्टीरिया किल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे मतलब बैक्टीरिया में कैसे रेजिस्टेंस पैदा होता है? बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं एंटीबॉडीज से तो फिर उनके बीच में कैसे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है? ऐसा होता है कि अच्छा ये देखिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं आपको फिर शायद समझ में आ जाए। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि टारगेट साइट जहाँ पे एंटीबायोटिक ने असर करना है वही ऑल्टर हो गई है। ठीक है, जो भी चीज हमारी बॉडी में एंटर हुई है पैथोजेनिक, फॉर एग्जाम्पल एनी बैक्टीरिया और एनी वायरस, जो भी हमारी बॉडी में एंटर हुआ है और हमारी बॉडी उसके खिलाफ अपना डिफेंस एक्शन भी शो करती है और हम बाहर से मेडिकेशन भी ले लेते हैं,
ठीक है, जो कि एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं। अब होता क्या है कि जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है वो भी तो आगे से लड़ेगा ना, ठीक है, तो वो भी अपने अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करता है, कुछ चेंजेस लेकर आता है जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाता है, या फिर हमारी बॉडी कुछ ऐसे एक्ट करती है उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो उसको रेजिस्टेंट कर देती है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ऑल्ट्रेशन हो जाती है टारगेट साइट की, जहाँ पे एंटीबायोटिक ने जाके असर करना था वो टारगेट साइट ही वहां पे, जैसे कि सेल वॉल इनहिबिटर है तो उसकी ही ऑल्ट्रेशन हो गई, ठीक है। ये मोस्ट प्रॉब्लमेटिक है, इसमें मेथिसिलिन रेजिस्टेंट आती है, जो स्टेफ ऑरियस है मोस्ट कॉमन, ठीक है, कि वो टारगेट साइट जो है वही अपने आप को ऑल्टर कर लेता है, या जो कि जैसे स्टेफ ऑरियस है वो अपने आप को कर लेता है चेंज, तो वहाँ पे जाके वो ड्रग अटैच ही नहीं हो पाती। नेक्स्ट चीज़ आती है एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। एंजाइम इनएक्टिवेशन में क्या आता है कि जो जैसे बीटा लैक्टामेसेस हैं वो उन्होंने उसको जो एंटीबायोटिक्स हैं उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंजाइम प्रेजेंट है जिन्होंने उसको इनएक्टिवेट कर दिया और वो अपना असर ही शो नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ गई है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हो जाती है उसकी आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो एंटीबायोटिक है वो उसके अंदर गई लेकिन वहां से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो गई बाय फ्लक्स पंप्स, जो कि रिमूवल करवा देते हैं एंटीबायोटिक्स का और वो अपना असर इस तरीके से शो नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ गई कि उसकी परमिएबिलिटी की कमी, यानी कि उसके अंदर एंटर ही नहीं हो पाती। इसमें क्या आ जाती है कि जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल वॉल पे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं, जो चैनल्स होते हैं जिससे उसके अंदर जाना था उनमें चेंजेस आ जाती हैं और वो उसको अंदर एंटर ही नहीं होती, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा रहे हैं, परमिएबिलिटी डिक्रीज कि वो अंदर ही नहीं जा पा रही, इफ्लक्स पंप्स कि वो बाहर निकाल देती है उसको, ठीक है, बाहर निकाल देती। नेक्स्ट आ गया टारगेट ही ऑल्टर हो गया, वहाँ जाके अटैच ही नहीं हो पा रहा। लास्ट चीज़ है कि एंजाइमेटिक डीएक्टिवेशन, वो एंजाइम की जो है वो उनको डीएक्टिवेट कर देता है, जो एंटीबायोटिक अंदर आई है उसने उसे डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे दूसरे में तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो फंक्शन ही नहीं कर सकती, ठीक हो गया, समझ आइए। यस मैम, ये समझ आ गई है, लेकिन मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि एक्सक्यूज मी, मैं भी आपसे बाद में पूछूंगी, ठीक है, बच्चे आगे चलते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी के, किस तरीके से देनी है, कौन से एंटीबायोटिक कब देनी है, इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले कि ये कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि डिजीज क्या है, अनलेस अनटिल हम डायग्नोज नहीं कर रहे कि कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिसके अगेंस्ट हमने एंटीबायोटिक देनी है, तो हम एंटीबायोटिक से ही प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टिव इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और फिर हम जो अपनी एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या ससेप्टेबिलिटी है अगेंस्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है, उसकी ससेप्टेबिलिटी को चेक करेंगे सूटेबल टेस्ट वगैरह करके या कुछ भी करके कि जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हमने देना है वो उसके लिए ससेप्टेबल है भी या नहीं, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कि हम कोई ड्रग दे दें जो कि ग्राम नेगेटिव के लिए हो, वो हम ग्राम पॉजिटिव वाले को दे दें तो वो उस पर असर ही नहीं करेगी। नेक्स्ट चीज आ गई कि फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, जी बच्चे जी आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज देखी, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑर्गेनिज्म है, ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं 1, 2, 3, अब इनमें से ए ऑर्गेनिज्म इनमें से किस चीज के लिए ससेप्टेबल है, कौन सी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हम देंगे जो इसके अगेंस्ट एक्ट कर सकता है, ये चीज हमने देख ली ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमने होस्ट को देखना है कि जिसको हमने देनी है उसकी एज क्या है, वो रीनल पेशेंट तो नहीं है, हेपेटिक पेशेंट तो नहीं है, उसमें प्रेगनेंसी तो नहीं है, या साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग, के मुंह का इन्फेक्शन है, कोई स्किन का इन्फेक्शन है, कोई इंटरनल इन्फेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमारी फिर वो चेंज होती रहेगी, ठीक हो गया। उसके अकॉर्डिंग हमारी एंटीबायोटिक भी चेंज हो सकती है और हमारी डोज भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कि क्या एंटीबायोटिक है।
एंटीबायोटिक थेरेपी आइडेंटिफिकेशन से पहले ही ऑर्गेनिज्म को क्रिटिकली ए पेशेंट्स में दी जाती है, क्या होती है कि उनमें हम पहले से जो है वो एंटीबायोटिक के एक रिजीम दे देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन को किसी हद तक कवर करके रखे। ऑर्गेनिज्म की ससेप्टेबिलिटी को चेक करते हैं हम एंटीबायोटिक के अकॉर्डिंग, पेशेंट के फैक्टर्स देखते हैं, उसका इम्यून सिस्टम, उसका रीनल और हेपेटिक फंक्शन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद हम साइट ऑफ इन्फेक्शन पे उसका असर देखते हैं कि वो अपने उस पर्टिकुलर साइट पे भी जाके असर करेगी भी या नहीं करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर तो नहीं आ जाएगा बीच में। या फॉर एग्जांपल इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमने एक ड्रग दी है और वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से गुजर के वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई, वो साइट पे पहुंची नहीं, तो हमें उस एंटीबायोटिक को देने का क्या फ़ायदा हो गया। ठीक है, सेफ्टी ऑफ द एजेंट के वो सेफ भी है या नहीं है, या उसकी क्या जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और क्या उसको देने के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। और उससे अगली चीज़ कॉस्ट ऑफ थेरेपी के हम किसी पेशेंट को इतनी कॉस्टली ड्रग तो नहीं दे रहे जो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ठीक है, या ये कि उसकी उस थेरेपी की कॉस्ट इतनी है, कॉस्ट इफेक्टिव इतना वो है कि वो पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट ले सके, यानी कि एक दो डोजेज देने के बाद ही वो नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ जा रही है। आइडियल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट क्या है जिसकी हाईली सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो, वो एक ही पे जाके एक्ट कर रहा है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, होस्ट को कोई असर ना दे, लो प्रोपेंसिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो, यानी कि बहुत उसमें कम चांसेस हो कि वो रेजिस्टेंस डेवलप कर दे, कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ना करे, कोई एलर्जी, वोमिटिंग, डायरिया या किसी कॉज ना करे, रैपिड और एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन जो है रैपिड एंड एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो कि वो ब्लड रेडिली अवेलेबल हो जाए सारी बॉडी को फॉरन से, उसके इंटरेक्शन अदर ड्रग्स के साथ कम हो, और आखिरी चीज ये कि वो इनएक्सपेंसिव हो ताकि पेशेंट इसको इजीली ले सके। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, आपकी ना आवाज फैल रही है और सही से डिलीवर नहीं हो रही है। अगर आप काइंडली हैंड फ्री लगा लें तो उससे सही आती है आवाज। बेटा मैं क्लासरूम में हूं, यहां पे हैंड फ्री तो नहीं काम करते। मैम सही आ रही है आवाज? मैम ये ना अपने क्लास का टाइम यानी कि 3:30 बजे लगा है, इसमें मैम इंग्लिश की भी क्लास होती है, क्लैश आ रहा है आपके साथ, आपके फार्माकोलॉजी की क्लास के साथ मैम। बेटे कोई बात नहीं, अगर किसी का क्लैश आ रहा है आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, थोड़ा सा इशू था मुझे जिसकी वजह से मैं नहीं ले सकी सुबह में, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया था क्लास को। मैम ये रोगी ऐसे होगा? मैम नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? नेक्स्ट क्लास वो 11 बजे ही का इस टाइम होगी 3:30 बजे अपने टाइम पे ही होगी क्लास। क्यों मैम वो Zoom मीटिंग पे जो लिंक आया है उस पे 3:30 का आ रहा है पीएम? जी मैम उस पे तो आपके लिए आ रहा है। मैम जो आपने लिंक भेजा ना उसमें काफी मतलब जून के लिए भी यही मतलब आ रहा है टाइम 3:30 का आपने 3:30 पे चेंज हो गया है। ओके टाइमिंग के अकॉर्डिंग आ रहा था वो, अब नॉर्मल स्केड्यूल के हिसाब से उसके टाइमिंग सेट कर वरना इस तरह मुझे सही समझ नहीं आती है। मुझे फैल के आ रही है बाहर, क्या रिकॉर्डिंग में भी आवाज नहीं आती सही? मैम ये कोई ऐसे ऐसे ही आवाज आ रही है शुरू में मैं नहीं बोला, शुरू में सही आवाज आ रही थी, अभी जब मुझे प्रॉब्लम आई है तो मैंने फिर ही बताना था ना। यस मैम रिकॉर्डिंग सुन के फिर देखना, अगर आवाज सही आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद अगली क्लास में देखो। आप ठीक कह रहे हैं, आई ऑलरेडी नो कि यहाँ पे कुछ क्लासरूम्स में एको है क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, कुछ रूम्स हैं जिनमें विंडो वगैरह भी नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एको प्रोड्यूस होती है, तो थोड़ा सा इशू आता है। जी मैम आवाज तो ऐसे ही आ रही है, थोड़ी इको के साथ ही आ रही है तो, लेकिन समझ आ रही है आवाज काफी पीछे से आ रही है। ठीक है आगे चलते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है एंटीबायोटिक्स की?
सबसे पहली चीज तो जो हमने अब तक पढ़ी कि रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट चीज क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है. हाइपर सेंसिटिविटी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, स्किन रैश आ सकता है, या वॉमिटिंग से स्टार्ट हो जाती है कुछ लोगों का, या कुछ भी किसी भी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, जिसमें पेंसिलिन मोस्ट नोटोरियस है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी होती है. और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको किस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है, और आप लोग को जाके, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे बच्चे माशाल्लाह हेल्थ केयर वर्कर्स ही बनना है आप लोगों ने, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जब किसी डॉक्टर के पास जाओ और आपको कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें पेंसिलिन है, मुझे इससे एलर्जी है, मैं इसको बता दूँ कि ये मुझे नहीं है, मुझे कोई और मुझे ड्रग चेंज कर दो. डायरेक्ट टॉक्सिसिटी अमाइनोग्लाइकोसाइड से हो सकती है, ऑटो टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसमें टिंगिंग टिंगिंग सी होती है, कानों में आवाज गूंजती है. सुपर इन्फेक्शन हो सकती है, किसी एंटीबायोटिक की वजह से ये हो जाते हैं. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल्स की वजह से वो ऑल्ट्रेशन कर देती है नॉर्मल फ्लोरा में, जिसकी वजह से सुपर इन्फेक्शन हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा खासतौर पर जब एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि टंग पे वाइट सा रैश अपीयर होना शुरू हो जाता है, और वो वाइटिश सी टंग हो जाती है अगर बहुत अर्सा कोई बीमार हो तो ज़्यादा उसने मेडिकेशन यूज़ किया, वो सुपर इन्फेक्शन होता है जो फंगल इन्फेक्शन कॉज हो जाता है उसकी वजह से, या समथिंग लाइक दैट. आगे डिटेल में हर ड्रग के साथ पढ़ेंगे. एंटीमाइक्रोबियल कॉम्बिनेशन, इसको हम कवर करने के लिए क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन में देते हैं. कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं हम, के एडिटिव इफेक्ट दें, के जो दो ड्रग्स हमने दी हैं उनको कंबाइन कर दें और वो दोनों अपनी जाके इंडिपेंडेंट एक्टिविटी शो करें. साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, एक साइनर्जिस्टिक इफेक्ट ये होता है कि हमने दो ड्रग्स दी और वो दोनों क्या करेंगी कि जितना उनका इंडिविजुअल इफेक्ट है उससे वो ग्रेटर इफेक्ट शो करेंगी और ज़्यादा अच्छा हमें वो मिल जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. एंटागोनिस्टिक इफेक्ट में क्या आता है कि हमने दो ड्रग्स दी और एक ड्रग दूसरी को जो है वो एंटागोनाइज करके उसका जो है स्पेक्ट्रम को कम कर देती है, ठीक है. जैसे कि इतना ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो और एक ड्रग जो है वो बहुत हैवी है और हम इतनी हैवी नहीं दे जाते हैं, हम उसके एंटागोनिस्ट साथ में दे देंगे ताकि वो उसको उसके इफेक्ट को थोड़ा सा लोअर डाउन कर दे. डिसएडवांटेजेस क्या है इनअप्रोप्रिएट यूज़ के, एंटागोनिज्म हो सकता है अगर हमें प्रॉपरली नहीं पता कि ये दो कॉम्बिनेशन में देनी है या नहीं देनी, या इनका आपस में कॉम्बिनेशन का इफेक्ट क्या होगा, और हम वो दो साथ में दे दें तो उनमें हो सकता है कि एंटागोनिज्म डेवलप हो जाए और वो असर ही ना करे. इंक्रीज्ड कॉस्ट होगी कि महंगी हो जाएंगी, जाहिर है एडवर्स इफेक्ट्स, क्योंकि उन दोनों के एडवर्स इफेक्ट्स अब ऐड हो गए हैं तो एडवर्स इफेक्ट्स आ जाएंगे. सुपर इन्फेक्शन की बात की कि बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से सुपर इन्फेक्शन आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा में चेंजेस होती हैं उससे फिर डिफिकल्टी इन ट्रीटमेंट हो जाती है. क्लासेस क्या है एंटीबायोटिक्स की, मेन क्लासेस बीटा लैक्टम्स हैं जिनमें पेंसिलिन, सेफलोस्पोरिन, कार्बापेनम्स, मोनोबेक्टम्स, मैक्रोलाइड्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्लोरोक्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन्स एंड एम्फेनिमोल्स आते हैं, ठीक है. ये क्लासेस हैं जो हम बारी बारी करके आगे पढ़ेंगे, होपफुली दो दो करके, तीन तीन करके, जिस तरीके से भी मैं देखती रहूँगी जो जो ईजी होगा. आज के लेक्चर में भी कुछ थी लेकिन वो मैंने निकाल दी क्योंकि मुझे लगता था कि आज इतना ही पढ़ने से काफ़ी होगा. नेक्स्ट चीज़ है कि इंडिकेशन क्या है एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस की. प्रोफाइलेक्सिस क्या चीज़ होती है कि हम पहले से कुछ दे दें, अभी उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल है, लेकिन हम उसमें पहले से एंटीबायोटिक हमें देना शुरू कर दिए क्योंकि हमें ये डर है कि इस हमारा कि इसमें इन्फेक्शन डेवलप ना हो जाए. फॉर एग्जांपल सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में कि हमने कोई सर्जरी करनी है उसके लिए हम पेशेंट को प्रिपेयर करना है तो हम उसे पहले से एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन एंटीबायोटिक कवर में, जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक कवर में हम सर्जरी करेंगे, यानी हमने एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर दी है उसमें हम सर्जरी करेंगे उसी ड्यूरेशन में ताकि एंटीबायोटिक इफेक्ट के अंदर ही वो बॉडी और जो है वो कोई भी इन्फेक्शन डेवलप ना हो सके, ठीक है. ऐसा नहीं है कि इस केस में बिल्कुल बिल्कुल ही इन्फेक्शन डेवलप नहीं होता, लेकिन ऐसा जरूर है कि मिनिमाइज हो जाता है या इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता. जैसे बाउल सर्जरी आ जाती है, कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी, कोई गायनेकोलॉजिकल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, इनको हम करने के लिए कि पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन ना आ जाए हम पहले से ही ड्रग्स दे देते हैं. इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स को दे देते हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड जिनमें इम्यूनिटी बहुत लो होती है जैसे कि वेरी ओल्ड हो, वेरी यंग हो या डायबिटिक्स हो, उनमें हम दे देते हैं. डेंटल एक्सट्रैक्शन के केस ये है कि अगर हमने डेंटल एक्सट्रैक्शन करनी है इन इन पेशेंट्स में तो हम उनमें पहले से दे देते हैं. किन पेशेंट्स में, जिनमें टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट हुई भी हो
उन पेशेंट्स में उन पेशेंट्स को हम दांत निकालने से पहले ही एंटीबायोटिक दे देते हैं क्योंकि उनमें चांस होता है इन्फेक्शन का, या जिनमें कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज हो उनमें भी दांत निकालने से पहले, हालांकि हम डायरेक्टली हार्ट पे काम नहीं कर रहे लेकिन हम टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले उनमें भी एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि उनमें इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो फिर आगे जाकर उनको ज़्यादा परेशान कर सकता है। मिनिमल इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन क्या है एंड मिनिमल बैक्टीरियोसाइडल कंसेंट्रेशन क्या है? मिनिमल इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन, अपने नाम से पता चल रहा है, जो मिनिमम अमाउंट किसी केमिकल की या किसी ड्रग की जो कि बैक्टीरिया की या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर दे, इनहिबिट कर दे, उसे हम कहेंगे मिनिमल इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन। लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ अ केमिकल और अ ड्रग जो कि प्रिवेंट कर दे विजिबल ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियम और बैक्टीरिया। It depends on microorganism, affected human being or antibiotic itself. Next is आगे minimal bactericidal concentration. Minimum bactericidal concentration क्या चीज है? Minimum amount जो required है उसको kill करने के लिए उसको हम कहते हैं minimal bactericidal concentration. ये lowest concentration है किसी drug की of an antibacterial agent required to kill a bacterium over a fixed somewhat extended period such as 18 hours or 24 hours under a specific set of conditions, उसको हम कहेंगे मिनिमल बैक्टीरियोसाइडल कंसेंट्रेशन। ठीक है, आज के लिए बहुत है। एक चीज और मैंने आपको बतानी थी कि एंटीबायोटिक्स अपना असर करती हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, वायरल डिजीजेस में एंटीबायोटिक्स का असर नहीं है। अच्छा एक चीज चले नहीं, मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी, ज्यादा हो जाएगा। वायरसेस जो है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्लू है वो वायरल डिजीज है। ठीक है, उसमें एंटीबायोटिक अपना असर शो नहीं करती, वो अपना इंक्यूबेशन पीरियड का पूरा करता है और फिर भी ट्रीट होता है। आजकल बहुत कॉमन है कोरोना वायरस, ये भी वायरस है, इसमें एंटीबायोटिक अपना एंटीबायोटिक इसका क्योर इसमें ट्रीटमेंट नहीं है, इसे अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करना है और फिर भी ठीक होना है। लेकिन हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोविड के केस में ताकि वो कोई सुपर इन्फेक्शन या कोई और एडेड इन्फेक्शन जो उसके साथ हो रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं। कोविड कभी भी किसी एंटीबायोटिक से ट्रीट या क्योर नहीं हुआ। ठीक है जी बच्चों, समझ आ रही है? किसी ने कोई चीज पूछनी है? यस मैम, समझ आ गई है जी। बच्चे मैम, मैं अपना क्वेश्चन पूछूं? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम वो मैंने आपसे बात करी थी कि मैंने आपको ना असाइनमेंट सेंड की मेल की थी, तो वो आप पहले वाली मेल पे मैंने अपने टाइम पे पहले आपको सेंड की थी, लेकिन ना वो बाद में आया कि ना वो मेल नहीं जा सकती। उसके बाद फिर मैंने आपकी दूसरी आईडी पे स्क्रीनशॉट टाइम के साथ और अपनी ना असाइनमेंट सेंड किया, तो मैम प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लें। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम वो आपसे लेक्चर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने रिकॉर्डिंग देखी थी आपके पास कोई, अगर डाउनलोड हुई भी पड़ी हो उसकी? नहीं बच्चे, मेरे पास डाउनलोडेड रिकॉर्डिंग नहीं है, अगर किसी ने डाउनलोड की भी है तो वो शेयर कर ले आपसे। आप खुद पढ़ के देख लो, लेक्चर नहीं समझ में आती तो मुझे समझ लेना। आपको होपफुली यूनिवर्सिटी की स्टार्ट होने वाली है तो फिर इंशाल्लाह आके मुझसे खुद पढ़ लेना जैसे भी। ओके मैम, क्योंकि उसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो सिर्फ 1 मिनट कुछ सेकंड्स की रिकॉर्डिंग आ रही थी ड्राइव पे। मुझे नहीं पता चला कि रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है ना, मैं उसको देख लेती, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर किसी और के पास है तो शेयर कर दे। दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी बोर्ड से ओपन होगी जी? बच्चे यूनिवर्सिटी कभी बोर्ड से ओपन होगी? बच्चे मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये जो भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आएंगे उनके अकॉर्डिंग ही होगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा उससे ही पता चलेगा। लेकिन जो सुना है बस वो तो यही है कि हो जाएंगे अभी नहीं तो 1 जून से या 6 जून से जब से भी। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि बैक्टीरियाज जो हैं वो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो सारे बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडीज मिलके सारे बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नहीं
नहीं बचेगी। हमने बात पढ़ी तो है कि हर बैक्टीरिया डिफरेंट उस पर असर करता है, कि मैंने आपको ये बताया था कि स्पेक्ट्रम है, कोई ग्राम नेगेटिव पे अपना असर कर रहा है, कोई ग्राम पॉजिटिव पे कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, ठीक है। नो मैम, मेरा मतलब ये है कि जिसके लिए जो एंटीबायोटिक होती है वो तो बैक्टीरिया सारे किल हो जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम हो जाते होंगे कि डिजीज क्योर हो जाए। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ रह जाते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इस वजह से नहीं, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा तो है किन-किन चीजों की वजह से प्रोड्यूस होती है। पर मैम बैक्टीरिया में कैसे होती है, मतलब पहले बैक्टीरिया जो उसके बीच में उस चीज की रेजिस्टेंस नहीं थी, बाद में कैसे हो गई एंटीबायोटिक के बाद? मतलब जब हमें जब दोबारा अटैक होगा उस चीज का, तब तो न्यू बैक्टीरिया आएंगे ना, वो वाले तो नहीं होंगे जो हमारे बॉडी में पहले से थे। जैसे हम ना उसी हम ये बात नहीं कर रहे कि वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो रेजिस्टेंट हो चुका होगा, बात ये कर रहे हैं कि हमारे जो जो हम जो साइट ही है ना बैक्टीरिया की, वो जो अपने आप को ऑल्टर करके फिर वो दोबारा अपना असर करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपनी सेल वॉल को ऑल्टर कर लिया कि वो उन पर असर ही नहीं करेगा, ठीक है। अब जब वो दोबारा इन्फेक्शन कॉज करेगा ना, तो वो जो कुछ बैक्टीरिया बॉडी में रह गए थे वो ऑल्टर्ड बैक्टीरिया होंगे जो अपना दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करेंगे। यस मैम, मैं यही पूछ रहा हूँ कि कुछ रह गए होंगे ऑलरेडी, ऑल्टर्ड बैक्टीरिया होंगे जो अब इन्फेक्शन कॉज करेंगे और वो रेजिस्टेंट हो चुके होंगे, ठीक है, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Hello, office. Office, ma'am.